नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए, क्या ग्रहों नक्षत्रों के परिवर्तन हो रहे हैं और वो आपके जीवन में क्या लेकर आए हैं, कैरियर जॉब पढ़ाई लिखाई, इसके साथ साथ मैरिज लाइफ, प्रेम, अध्यात्म, सेहत, बिजनेस, हर एक क्षेत्र की हम बात करेंगे, हर एक घर को लेंगे और उसके बारे में किन ग्रहों का क्या प्रभाव हो रहा है और क्या हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, रेमेडी हो कोई मंत्र हो या कर्म के रूप में कोई रेमेडी हो उसके ऊपर बात करेंगे। तो आ जाते हैं पहले आपके चार्ट पर। देखिए चार्ट जो है वो इस तरह का दिख रहा है, आप सामने देख सकते हैं कि प्रथम भाव में ही सूर्य हैं, बुध हैं और मंगल हैं। यहाँ पर सूर्य और जो बुध हैं, सूर्य 17 तारीख तक और मंगल जो है 22 तारीख तक रहेंगे। 17 के बाद सूर्य द्वितीय भाव में तुला राशि में, मंगल द्वितीय भाव में तुला राशि में चले जाएंगे। उससे पहले वो कहाँ रहेंगे, आपके प्रथम भाव में। और आपके प्रथम भाव में कौन सी राशि है, बिल्कुल कन्या राशि है। 6 नंबर जो है कन्या राशि को दिखाता है। अब बुध जो है ये यहाँ पर वक्री जरूर हैं पर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, इसके रिजल्ट के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद देखिए इस भाव की हम बात कर ही चुके हैं कि सूर्य और बुध, सूर्य और मंगल यहाँ पर कब आएंगे, सूर्य 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को और मंगल 22 अक्टूबर को। शुक्र यहाँ 2 अक्टूबर को ही आ जाएंगे, पूरे महीने रहने वाले हैं वृश्चिक में और केतु भी यहाँ पर रहेंगे वृश्चिक राशि में तृतीय भाव में। चतुर्थ भाव खाली है। पंचम भाव में मकर राशि में आप देख सकते हैं वक्री गुरु और शनि, ये एक बड़ा परिवर्तन है। क्या ये जो दोनों के दोनों वक्री ग्रह हैं, बहुत समय से 3-4 महीने से जो वक्री हैं अब वो मार्गी होने वाले हैं। वक्री का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, कहीं ना कहीं अब वो सीधे चलने वाले हैं, तो आपके लिए अच्छा परिवर्तन है। और गुरु का यहाँ आना पंचम में नीच भंगराज योग भी बना रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद देखिए 6, 7, 8 भाव खाली है। 9वें भाव में भाग्य के भाव में राहु जो है वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। वक्री क्या, वो तो हमेशा वक्री रहते ही हैं। और 10वें भाव और 11वें भाव खाली है, 12वें भाव भी खाली है। तो ये रही ग्रहों की स्थिति। अब इसके रिजल्ट पर आ जाते हैं, क्या मेन परिवर्तन हो रहा है, विशेष परिवर्तन। सबसे पहला तो बड़ा परिवर्तन है, शुभ परिवर्तन है, अच्छा परिवर्तन है। क्या है, बुध का है। बुध जो है अपनी ही राशि में आकर भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। देखिए आपका जो लग्नेश है, आपका जो राशिश है वो बुध है, और बुध क्या है, बुद्धि का ग्रह है। इसी वजह से जो कन्या राशि वाले होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, आप कह सको कि ड्यूटीफुल भी होते हैं। उनके ऊपर कोई अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी है या उनका कोई ऑफिस में कोई काम है, जब तक उसको पूरी तरह से एकदम परफेक्ट नहीं कर लेते तब तक उनको चैन नहीं मिलता। सर्विस भी करना जानते हैं, उनको साफ सफाई से लगाव होता है, छोटे छोटे जानवर आदि से भी उनका लगाव होता है। अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, बहुत ही आप कह सकते हो कि मेटिकुलस, मतलब किसी चीज़ को बहुत ही गहराई से जांचने परखने की उनमें क्षमता होती है। क्यों होती है, इसी बुध के कारण। बुध क्योंकि बुद्धि है, अब वो अपनी ही राशि में आ रहे हैं, भले ही वक्री हो तो भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं। ऐसे में अगर किसी का जन्मपत्री में ऐसा योग है, देखिए जन्मपत्री में होना जरूरी है, वरना हम कितना भी कहते रहें कुछ होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलता, इसीलिए नहीं मिलता कि जन्मपत्री में तो वो योग है ही नहीं। और अब करोड़ों लोगों में से जिनका है उनके लिए ये है कि भाई आपको पद प्राप्ति हो सकती है, पोस्ट प्रमोशन हो सकता है, आपका नेम फेम आपको मिल सकता है। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब मिलेगा, अगर आप बिजनेस में बढ़ाना चाहते हैं तो बिजनेस बढ़ेगा, आपका नेम फेम ये सब बढ़ने वाला है। आप जिस भी फील्ड में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया करने वाले हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आपके काम को यश मिलेगा। अब इसमें दो चीजें जरूरी है, एक तो कुंडली में ये योग हो, दूसरा बुध की दशा महादशा अंतरदशा जरूर चल रही हो। इस बुध का किसी ना किसी तरह आपके बुध से संगम होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। बाई चांस आपका बुध अच्छा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, किन्नर जो लोग हैं उनकी सहायता करें, बहुत अच्छी रेमेडी है। पक्षी जो लोग हैं उनको खाना पानी रखें, पक्षियों का ध्यान रखें, अपने से जो छोटे हैं उनसे प्रेम करें, और जब भी पॉसिबिलिटी हो किसी की हेल्प की तो ज़रूर हेल्प करें, चाहे वो अपने से बड़ा हो या अपने से छोटा हो। अपनी वाणी का सदुपयोग करें हमेशा। सदुपयोग का मतलब है आप जब भी बोलते हैं तो उसका लाभ आपको भी हो और दूसरों को भी हो।
लाभ के लिए बोलें, उनके कल्याण के लिए बोलें, जब भी बोलें तो ये होता है वाणी का सदुपयोग। इसके साथ साथ अच्छा बोलना सीखें, अच्छे वक्ता बने, अपने दांतों को सफाई रखें। इसके साथ साथ भगवान श्री विष्णु और गणेश जी की पूजा करें, आपके बुध शुभ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और आपको जिंदगी में तरक्की मिलती रहेगी। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बुध आपके लग्नेश है। अब थोड़े वक्री हो रहे हैं तो उसका क्या होगा, वक्री ग्रह क्या करता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो कभी कभी कम्युनिकेशन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कहीं बोलते वक्त, कुछ कमेंट करते वक्त, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है तो ध्यान रखें, थोड़ा सा ऐसा कमेंट कर सकते हैं या फिर कमेंट जब कर जैसा आप चाह रहे हो वैसा ना करें, कर पाए कुछ गलती हो जाए उसमें, इस तरह का चांस रहता है। कोई चीज़ खरीदते वक्त भी डॉक्यूमेंट में एक की बार, एक बजे की जगह दो बार चेक कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है, लग्नेश की दृष्टि सप्तम भाव पर आपके जीवन में आपके स्पाउस की, पति पत्नी की महत्वता को बढ़ाएगी, आपस में प्रेम को भी बढ़ाएगी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे में, अगर आपकी आपके पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका से कोई डिस्प्यूट या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो कभी कभी हम सोचते हैं कि पहले वो बात कर लेगी या पहले वो बात करेगा तो मैं कहूँगी, मैं क्यों बात करूँ पहले, मैं क्यों शुरू बात करूँ, तो उस मैं को साइड में रख देना है और अपनी बात करनी है। तो शायद आप पाएंगे कि वो भी यही सोच रहा था और आप भी यही सोच रहे हो और इस चक्कर में दोनों बात नहीं कर रहे हैं। और फिर मैं तो हर चीज़ में ज़रूरी है, ईश्वर की तरफ जाने में भी कृष्णा ने कहा है कि जिसके मन से मैं न गया उसको मैं न देता दिखाई, मतलब ईश्वर के और हमारे बीच में, सत्य के और हमारे बीच में जो है वो मैं ही है। आप ये कह सकते हो सत्य को आप देख नहीं सकते, ऐसे सत्य को पूरी तरह से आप जान नहीं सकते, पर आपके और सत्य के बीच में कौन है, मैं है, माया है। तो बस आप माया को जान लीजिए, मैं को जान लीजिए, उसको हटा दीजिए तो सत्य सामने ही है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं मंगल और सूर्य पर। अब मंगल जो है लग्न में अच्छे नहीं मानते, पहले ही मांगलिक होता है और ऊपर से आपकी कुंडली में वो अकारक ग्रह है। कौन से भाव के स्वामी है, तृतीय और अष्टम के स्वामी है। तृतीय भाव क्या है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, मेहनत है, छोटी मोटी यात्राएं हैं, महत्वाकांक्षा भी है, ये आपकी किस तरह से आप बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी है। अब वो लग्न में आ रहा है तो ये सब चीजें बढ़ने वाली हैं, यात्राएं बढ़ने वाली हैं, बात करना बढ़ने वाला है, एफर्ट और मेहनत बढ़ने वाला है अगर मंगल की दशा महादशा है तो, खास करके साथ में अष्टमेश भी। अष्टमेश क्या देता है, आठवां भर क्या देता है, दूर, देरी, दुर्भाग्य, पीड़ा, इसके साथ साथ इनहेरिटेंस, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, इस सबको भी दिखाता है। पर ज़्यादातर लोगों के में वो नेगेटिव चीज़ें ही दिखाता है, क्यों, क्योंकि ज्योतिष में, अध्यात्म में सभी की रुचि नहीं होती है, रुचि बहुत महत्वपूर्ण है और इसी वजह से यहाँ पर मंगल के गोचर को हम बिल्कुल भी शुभ नहीं कहेंगे। पर क्या सभी का शुभ होगा, नहीं, सभी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनकी कुंडली में मंगल पहले से किसी अशुभ स्थिति में है और मंगल की दशा महादशा या अंतरदशा चल रही है तब मैरिज लाइफ में दिक्कत आ सकती है, आपका ईगो ज़्यादा बढ़ सकता है, आपके अंदर अधैर्यता रहेगी, गुस्सा रहेगा, खर्चा भी आप थोड़ा बढ़ने वाला है और आपका क्लेशेस जो है ना अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस में भी, बिजनेस पार्टनरशिप में और प्राइवेट जो पार्टनरशिप होती है फ्रेंड्स वादी में, अगर आप स्टूडेंट हो तो फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव यहाँ पर रह सकता है। अपने भाइयों के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्तों को बना के रखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुस्से में आप कुछ ऐसा कह सकते हैं। माता के साथ भी रिश्तों में यहाँ खटास आ सकती है इस मंगल की वजह से। किन की आएगी मैं बात कर चुका हूँ, सभी की नहीं आएगी। इस मंगल की दृष्टियाँ देखें तो देखिए चतुर्थ भाव पर, सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर है। चतुर्थ भाव पर जो मंगल की दृष्टि है वो जमीन से फायदा करा सकती है, घर आदि खरीदने का योग बन सकता है और अगर आप रियल इस्टेट के बिजनेस में हैं तो आपको थोड़ा बहुत लाभ भी हो सकता है, पर पर्सनल फ्रंट पे ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। सप्तम पर जो दृष्टि है वो मंगल की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैरिज लाइफ के लिए, पर उन्हीं के लिए है जिनके कुंडली में योग है, लड़ाई झगड़ा रह सकता है, आप पेशेंस खो सकते हैं, आपको गुस्सा आ सकता है। देखिए कई बार हम क्या करते हैं कि हम जॉब से आएँ, या मेल हो या फीमेल हो, हमको लगता है हमने पूरे दिन काम किया, हम घर पे आए हैं तो अब हम आराम करेंगे, ऐसा लगता है, पर हम ये भूल जाते हैं कि भाई काम तो हम घर के लिए कर रहे हैं ना, काम तो शुरू हुआ है। आप घर आए हो, अगर आप फादर हो तो आपको अपने बच्चों के साथ बैठना है प्यार से, बिल्कुल बहुत बहुत एनर्जी के साथ, थके होके नहीं, उनकी बातें सुनना है, क्योंकि ये आपका असली काम है। वो काम तो आप कर रहे हो,
इस काम के लिए पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की बनती है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। हम सोचते हैं कि अब काम कर लिया तो भाई अब क्या, और कभी कभी तो बच्चे बात करना चाहते हैं तो आप कह रहे थे भाई इसको कमरे में ले जाओ, मैं इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। बच्चों से इंपॉर्टेंट कोई काम है नहीं आपका, अभी उनको आपकी अटेंशन की जरूरत है, बाद में आपकी अटेंशन की उनको जरूरत होगी। तो फिर आप भी यही एक्सेप्ट करेंगे, जैसे बच्चे आते हैं अपना छोटी सी कोई खिलौना दिखा रहा है, कोई चॉकलेट ला रहा है, कि आपकी कोई बच्ची है कुछ ऐसी बात कर रही है हवाओं में, आपको लग रहा है पर उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है। ठीक सेम कंडीशन बाद में होती है, आप कुछ कहेंगे और उनके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो अभी आप उनको टाइम दें, बाकी का ईश्वर पर छोड़ दें। तो ये तो रहा मंगल का रिजल्ट। मंगल का अष्टम पर इन लॉज के साथ थोड़ा बहुत खटपट रह सकती है, इन लॉज के साथ आपका स्पाउस की वाणी थोड़ी कड़वी हो सकती है, और ड्राइविंग करते वक्त ध्यान रखें, रेमेडी के रूप में हनुमान जी की शरण में जाएं, बजरंगबली के मंदिर में जाएं, मंगलवार को जाएं, बहुत ही अच्छा है। उनको दीपक जलाएं, उनको लाल वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, उनकी पूजा करें, मन से हनुमान चालीसा सुंदरकांड पढ़ें। अगर आप करते रहते हैं तो मंगल से संबंधित आपकी कुंडली में कोई दोष है तो शांत होने लगते हैं। इसके साथ साथ मंगल हनुमान जी के जो गुण हैं उनको भी अपने अंदर जरूर शामिल करें। मंगल के बाद सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य जो है 12th 12वें भाव के स्वामी। अब देखिए 12वें भाव का स्वामी न्यूट्रल होता है, ऐसा नहीं कि खराब होता है। लग्न में आ रहा तो अच्छी जगह ही आ रहा है, लग्न एक शुभ स्थान है। तो सूर्य यहाँ पे ठीक है, बस थोड़ा सा दोनों अग्नि वाले ग्रह लग्न में आ रहे हैं तो आपका थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो सकता है, आपके अंदर थोड़ा ईगो आ सकता है, और इससे आपकी मैरिज लाइफ और पार्टनरशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। पर ये सूर्य आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ सकते हैं, विदेशों से आपका लाभ करा सकते हैं, और मेडिटेशन अध्यात्म की तरफ भी आपके लिए अच्छे हैं। तो दोनों ही पक्ष हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। क्या करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य स्त्रोत का पाठ करें। इसके बाद ये दोनों के दोनों ग्रह द्वितीय भाव में आएंगे, जो आप कह सकते हो कि खर्चे का योग है। पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में महीने के सेकंड हाफ में आप गलत निर्णय ले सकते हो, धन का नुकसान भी हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं है, सबका नहीं होने वाला। जिनकी कुंडली में ऐसा योग है, इन ग्रहों की दशा महादशा है, तभी ऐसा हो सकता है। उसके बाद भी देखिए कई कई बार जो हमको लगता है कि नुकसान है वो फायदा भी हो सकता है, वो एक लेसन होता है हमारे लिए। जैसे रात और दिन, कोई कहे भैया दिन ही दिन चाहिए, क्या रोशनी रहती है, फूल खिलते हैं, रात में क्या अंधकार है, कुछ दिखता नहीं है, तो रात कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। रात नहीं होगी तो दिन का आपको क्या पता लगेगा, और रात की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, बिना रात के दिन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसी तरह से टफ समय हमको लेसन देता है, हमको कुछ सिखाता है, वहां से जो हम सीख मिलती है टफ समय में, उसी से तो हम नया समय बनाते हैं, उसी से तो हम कुछ अच्छा कर पाते हैं लाइफ में। वो जो अच्छा हो रहा है ऐसे ही नहीं हो रहा है, उस टफ समय की वजह से हो रहा है उल्टा, जिसको हम खराब सोचते हैं। ठीक इसी तरह हमारे जो तीन देव हैं प्रमुख, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्रिएटर, प्रिजवर मतलब उसको संभालने वाला पालनकर्ता, और महेश डिस्ट्रॉयर, वो बाहर तो हैं ही संसार में। देखिए हर चीज़ क्रिएट हो रही है, किसी समय तक उसको आप वो प्रिजर्व रहती है, अपने आप को करने की ट्राई करती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन होता है। तो कभी कभी सुनने में ऐसा लगता है कि भाई क्रिएशन तो बहुत अच्छी बात है, सुबह को मान लो एक तरह से, सुबह हम जैसे उठे, और दिन में विष्णु को मान लो, रात को अब शिव को मान लो एक तरह से, कि भाई सब तमस हो गया, सब अंधेरा हो गया, सब नष्ट हो गया। तो क्या वास्तव में रात अंधेरा है, क्या वास्तव में रात नेगेटिव, ऐसा नहीं है। रात ही वो तमस ही कहीं ना कहीं सुबह की जो एनर्जी आ रही है ना, सुबह जो आपको मिल रही है उस रात की वजह से मिल रही है। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, तो हर चीज को अपने जीवन में संभालना है, उसका जो बैलेंस है वही है। जैसे जैसे आयुर्वेद में है वात पित्त कफ, तीनों का बैलेंस है। कोई मतलब बात ही बात चाहिए, पित्त ही पित्त चाहिए, काफी कफ चाहिए, क्या हो गए, बीमार हो जाओगे आप। ठीक इसी तरह से जीवन में जो है बैलेंस रखना होता है। ये सूर्य और मंगल जब दोनों के दोनों यहां आएंगे सेकंड हाफ में, अष्टम को देखेंगे, इन लॉस के साथ मैरिज के मामले में अच्छा समय नहीं होगा। और उसकी जो रेमेडीज हैं वो हमने बताई हैं, पर वो सभी के लिए नहीं है। जिनकी जन्म पत्री में इस तरह का मंगल है तो उनके में जरूर, अगर पहले से ही दिक्कत चल रही है आपकी मैरिज लाइफ में तो जरूर ये समय थोड़ा सा उसको बढ़ाने वाला है, अन्यथा नहीं। इसके बाद देखिए शुक्र और केतु को हम तृतीय भाव में देख सकते हैं। तृतीय भाव में शुक्र और केतु हैं। शुक्र आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं,
और भाग्य के स्वामी है। भाग्य का स्वामी तृतीय भाव में गया, धन का स्वामी तृतीय भाव में गया। धन कमाना है तो क्या करना होगा? तृतीय भाव कम्युनिकेशन को अच्छा रखना होगा, यात्राएं करनी होंगी, छोटे भाई पड़ोसी के साथ रिश्तों को बना के रखना होगा। हालांकि बिगड़ने के चांस हैं पर बना के रखना होगा, कुछ ना कुछ सीखते रहना होगा, प्रयास करते रहना होगा। ये भाव पुरुषार्थ का है, पुरुषार्थ करते रहेंगे तब जाके थोड़ा बहुत भाग्य साथ देगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, वहां पर राहु भी बैठे हैं, तो आप कह सकते हो शुक्र केतु के साथ हैं, राहु की दृष्टि है, शुक्र प्रेम भी है, प्रेम के मामले में भी कुछ ऐसा आप कर सकते हैं जो समाज के नियमों के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि राहु केतु कौन है? फॉरेन ग्रह है, मर्यादा को नहीं जानते, आउट ऑफ बॉक्स निर्णय आप प्रेम के मामले में ले सकते हो, स्त्रियों के मामले में ले सकते हो। तो ऐसे में क्या करें? देखिए राहु केतु क्या दिखाते हैं? राहु केतु दिखाते हैं हमारे लोभ, क्रोध, मोह, ईर्षा, अहंकार, मद, मात्सर, ये जो हमारे गुण हैं, तो इनके बसीभूत होकर कोई भी निर्णय ना लें। लेना है तो प्रेम, ज्ञान, कंपैशन, दया, भक्ति, ये जो अच्छे गुण हैं इनके बसीभूत होकर चाहें तो लें, अन्यथा बैलेंस में निर्णय लें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। दूसरा, माता दुर्गा की और भगवान श्री गणेश की पूजा आप करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव, इस भाव का स्वामी कहाँ गया है? धन में गया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे कि तृतीय भाव का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी तृतीय भाव में। तो धन पाना है तो प्रयास करना होगा, मेहनत करना होगा, कम्युनिकेशन से हटना नहीं है, डरना नहीं है, बना के रखना है उसको। जितना आप अच्छी तरह से बात कर पाएंगे अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में, अपने जॉब में, जितना आप अपने आप का पराक्रम कर पाएंगे उतना आपको लाभ होने वाला है, अन्यथा थोड़ा सा टफ समय ही है। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव का स्वामी जो कि गुरु है कहाँ गया है? पंचम भाव में है, पहले बकरी है बाद में मार्गी हो जाता है। वैसे तो अच्छा योग है, पढ़ाई लिखाई के मामले में अच्छा है, खासकर की 18 तारीख के बाद, क्योंकि गुरु मार्गी हो जाएंगे। गुरु का पंचम में गोचर अति शुभ माना जाता है, संतान प्राप्ति के लिए एक अच्छा समय है। जो लोग ट्राई कर रहे थे तो इस महीने में संतान प्राप्ति की काफ़ी उम्मीदें बनती हैं। संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत अच्छा मंत्र है। इसके साथ साथ यहाँ से गुरु आपको कुछ फ्रेंड्स बना सकता है, आपके नेटवर्क को बढ़ाने वाला है, उससे आपको लाभ होगा। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा किस ग्रह की दशा महादशा है। देखिए मंगल सूर्य की है तो उनके गुण आएंगे, अगर गुरु की है तो इसका आपको रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। अब गुरु की यहां से नवम पर भी दृष्टि कर रही है, हायर एजुकेशन अब्रॉड आपको ले जा सकता है, भाग्य का भी आपको साथ रहेगा, फॉरेन लोगों से आपको साथ मिल सकता है। आपका आप कह सकते हो आपके लिए अच्छा समय है अगर गुरु की दशा महादशा चल रही है और गुरु कुंडली में बढ़िया है तो, क्योंकि सारी ही दृष्टियां गुरु की अच्छी हो रही हैं। गुरु यहाँ नीच के हैं पर नीच भंग राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठा है और गुरु जिसके साथ बैठे हैं वो उसी राशि का स्वामी है, तो नीच भी भंग हो गया, तो नीच भंग राजयोग हो गया। तो ऐसे में आपको पद, प्रमोशन, प्रतिष्ठा आदि भी मिल सकती है, शनि गुरु का आपका गोचर हो और शनि गुरु की कुंडली में स्थिति अच्छी हो तब। ऐसे नहीं, गुरु की नवमी दृष्टि जो है लग्न पर पड़ रही है तो कहीं ना कहीं गुरु आपके गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसे केतु सूर्य बड़ा खतरनाक सा योग बना रहे हैं गुस्से के मामले में, अधैर्यता के मामले में, पर कहीं ना कहीं आपको लास्ट टाइम पे याद आ सकता है और उसको और बढ़ाने के लिए आपको गुरु जैसी एक्टिविटी करनी होगी। गुरु क्या है? ज्ञान है, तो ज्ञान कहाँ मिल सकता है? गीता है, उपनिषद है, आपका आपके आपके अपने बड़े हैं, आपने जीवन में कुछ सीखा है। कई बार बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि वो हजारों सालों का ज्ञान होता है। आपने जो सीखा है वो तो सीखा ही है पर वहाँ पर बहुत सारा ज्ञान एक किसी एक महान बुक्स को आप ऐसे मान लीजिए, बुक्स को किसी जैसे उपनिषद हैं ये हैं कि एक ऋषि जिन्होंने लाखों सालों तक एक दूसरे से जो पीढ़ियों से सारा का सारा ज्ञान एक जगह आ गया तो उसको अपने जीवन में जुटाने के लिए बहुत समय लग सकता है। तो बुक्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल, तो वो बुक्स पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए तो आपके गुरु स्ट्रांग रहेंगे। गुरुवार वाले दिन मंदिर वगैरह जाएं, वहां बैठें, थैंकफुल हो ईश्वर के प्रति जो उसने दिया है। देखिए कई बार हम लोग सिर्फ उस पे ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। एक तरफ से देखा जाए तो ईश्वर के प्रति ये
थैंक कह सकते हो कि हम उसके दिए हुए के लिए थैंकफुल नहीं है, क्योंकि जो दिया उस पर तो नजर ही नहीं है। आप जैसे कोई व्यक्ति ने आपको बहुत सारी चीजें दी एग्जाम्पल के रूप में, पर आप उससे वही मांग रहे हो जो आपके पास नहीं है, तो वो ये कहीं ना कहीं सोचना, एग्जाम्पल समझना के लिए कह रहा हूं मैं, तो कहीं ना कहीं ये बात तो बनती है कि जो दिया तो बेकार ही है, क्या मतलब उसका, तुम फिर भी परेशानी हो। तो थैंकफुल होना सीखो, इससे गुरु मजबूत होते हैं। इसके साथ आगे भी बढ़ना है, आगे बढ़ना जीवन का लक्ष्य है। सत्व रज तमस ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ इंपॉर्टेंट है, खुश रहते हुए ही आगे बढ़ते रहना। आगे तो सभी बढ़ते हैं, भौतिक लाइफ में नहीं तो स्पिरिचुअल लाइफ में। जो लोग कहते हैं कि भाई भौतिक चीजें हैं आपको बांधती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, वो ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ते रहना चलते रहना यही जीवन है। इसके बाद देखिए गुरु शनि के संयुक्त की तो हमने बात की, गुरु की दृष्टियों की भी बात की, अब शनि की दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए शनि पंचमेश है, पंचम में है, फिलहाल उन पर गुरु का आशीर्वाद आ रहा है। वैसे तो अब तक वो पढ़ाई लिखाई में कठिनाई कर रहे थे, मैरिज या कह सकते हो मैरिज लाइफ हो, प्रेम हो, उसमें थोड़ी सी रुकावट डाल रहे थे, लाभ को भी रोक रहे थे और आपकी वाणी को भी कटु कर रहे थे। अभी भी वाणी को तो थोड़ा कटु करेंगे, पर एजुकेशन के मामले में अच्छे हो रहे, लाभ भी कहीं ना कहीं से आपका करा देंगे। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा टफ समय रहेगा अभी भी, मैरिज लाइफ में जो लोग साथ में हैं उनके, पर हाँ जो लोग सिंगल हैं उनको किससे मुलाकात हो सकती है, प्रेम के चांसेस हैं। पंचम भाव प्रेम का होता है, वो प्रेम शुरू शुरू का प्रेम जिसमें हमको सिर्फ गुण देखते हैं, अब गुण दिखते ही नहीं है, अब उसमें कोई गलती नहीं है, ईश्वर ने ही ऐसा बनाया, शुरू में जरूरी होता है एक आकर्षण जो होता है, तो प्रेम के लिए ठीक है, हो सकता है, पर थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र जो है केतु के साथ राहु के साथ आ रहे हैं, तो ऐसे में आप, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के जरूर निर्णय लें शुक्र के मामले में, प्रेम के मामले में। शनि की दृष्टियों की भी बात होगी, एक दो तीन, तीसरी दृष्टि जो शादी विवाह के भाव पर है, और सातवीं दृष्टि जो कि आपके एकादश फ्रेंड्स के भाव पर है, ये अच्छी दृष्टि हो रही है गुरु की वजह से। और दसवीं दृष्टि देखिए 7, 8, 9, 10 ये इस भाव पर है, और इस भाव में सूर्य मंगल भी आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 15 तारीख के आसपास के बाद, सूर्य 17 को मंगल 22 को, तो वाणी जो है कटु कराएंगे। फैमिली लाइफ में आपकी इमीडिएट फैमिली, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप कहीं दूर भी रह रहे हैं, तो आपके माँ बाप भले ही वो आपसे दूर भी हों, और आपकी इमीडिएट फैमिली तो है जहां आप रह रहे हैं, वहां पर थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है और किसी बात को लेकर मतभेद आपस में रह सकते हैं, क्योंकि इस भाव पर कई ग्रहों की दृष्टि आ चुकी है, मंगल है, सूर्य है, शनि है, क्या करें ऐसे में। शनि महाराज के लिए आप माता काली की, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, माता काली का ओम क्रीम कालिकाय नमः बहुत अच्छा मंत्र है, और हनुमान जी के आप संकट मोचन जो है वो भी पढ़ सकते हैं, आपका हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुंदरकांड पढ़ सकते हैं। तो हनुमान जी का शनि के साथ बहुत अच्छा है, आपने वो कहानी सुनी है रामायण की, जिसमें हनुमान जी ने जो नवग्रहों को जब रावण ने अपनी कैद में रखा था, उनको छोड़ाया था, तब उन्होंने वादा किया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसको अच्छा रिजल्ट दूंगा। माता काली तो बिल्कुल शनि से जुड़ी हुई हैं, शनि काल हैं, वो काली हैं, काल को नियंत्रण करने वाली देवी हैं, महाकाली हैं, तो उनका भी बहुत अच्छा, उनकी प्रार्थना भी शनि के लिए बहुत अमोघ है। इसके साथ साथ शनि धर्म पर चलना सिखाते हैं, शनि मेहनत सिखाते हैं, शनि टाइम टेबल से काम करना सिखाते हैं, शनि आपको वृद्धों के प्रति, अपनों से छोटों के प्रति भी कहीं ना कहीं दया दिखाते हैं। इस अपने से कमजोर है तो उसके प्रति हेल्प की जो भावना है वो होनी चाहिए, वो शनि जरूरी, अपने से वृद्धों के प्रति रेस्पेक्ट हो तो शनि आपका अच्छा फल देते हैं, ये सब चीज़ें भी जरूरी हैं। इसके साथ आप शनिवार को कुछ दान करना चाहते हैं, पीपल की पूजा करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, काले कुत्ते काली गाय भैंस उसको कुछ खिलाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं होगा, कुछ ना कुछ बहाने, इस बहाने से कुछ दान ही होगा, कुछ पुण्य होगा, कुछ करेंगे ही, बहुत बढ़िया बात है, पर उसका जो एसेंस है उसको भी समझें। इसके बाद देखिए छठे भाव जो आपका रोग ऋण शत्रु का है वो पंचम में आ रहा है, तो पर गुरु के साथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, संतान की थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें। सप्तम भाव का मालिक पंचम में है, प्रेम के लिए अच्छा समय है, ट्रू बात के लिए, प्रेम के लिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई क्रिएटिव काम में है तो आपकी स्पाउस की जो सलाह है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, उसकी जो बात आप जरूर माने। इसके बाद देखिए अष्टम का स्वामी जो है धन में आ रहा है, तो आपको
पेट्रोल, डीजल, इनहेरिटेंस, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इन सबसे लाभ हो सकता है। और तृतीय भाव भी है, भाइयों से, कम्युनिकेशन से, यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है। नवम भाव में राहु हैं, विदेश जाने के योग हैं, अब्रॉड जाने के योग हैं। राहु नवम भाव में आपको बाहर ले जाता है, विदेश ले जाता है, गल्फ कंट्रीज ले जाता है या फिर वेस्टर्न कंट्रीज ले जाता है। राहु यहाँ पर बैठा हुआ, राहु आपको दूसरे धर्मों के प्रति, दूसरे रिलीजन के प्रति थोड़ी सी कह सकते हो प्यास देता है, जानने की एक तरह की वो देता है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है कि वहाँ पर कुछ बेटर है। कई बार अपने रिलीजन के प्रति बहुत कट्टर भी बना सकता है। तो दोनों ही चीज़ों में इस बात का ध्यान रखना है कि अपना रिलीजन धर्म तो सर्वश्रेष्ठ है ही, जब तक आप उसको पूरा नहीं जान लेते। हाँ, उसमें कुछ कुरूति आ सकती हैं समय के साथ साथ, कहाँ नहीं आती है, हर जगह आती है, पर उसमें बहुत सारे गुण भी हैं। सारी की सारी आप कह सकते हो जो पद्धति हैं सब इधर है, मूर्ति पूजा इधर है, ब्रह्म पूजा इधर है, मंत्र पूजा इधर है, सब कुछ है यहाँ पर। हर चीज़ का एक से एक बढ़कर फिलॉसफी है। एक्चुअली सनातन धर्म में कोई एक फिलॉसफी है ही नहीं, ये सोच है, कई सारी सोचों का समूह है। इसीलिए हमारी कोई एक किताब नहीं है, अद्वैत सिद्धांत है, गीता है, भागवत पुराण है, शिव सूत्र हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, बहुत सब कुछ है, जिसको जो चाहिए उसी हिसाब से है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। सबसे पुराना धर्म है तो उसमें बीच में कुछ उतार चढ़ाव भी आए हैं, नेचुरल है। राहु किन चीज़ों के लिए यहाँ पे अच्छे हैं, आपको लाभ करा सकते हैं, लाभ करा सकते हैं, इसके साथ साथ फौरन ले जा सकते हैं आपको। पद प्रतिष्ठा सम्मान का ध्यान रखना है, सम्मान का ध्यान रखना है, कुछ ऐसा ना करें जिससे आपकी समाज में जो इज्जत है उसके कुछ दिक्कत हो, उस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखें। और धन के मामले में जब भी कोई निर्णय लें तो सोच समझ के लें, एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हैं आप, कहीं धन का नुकसान भी हो सकता है, मतलब कुछ बिना सोचे समझे कोई चीज़ ले लें, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं यहाँ पे। दशम भाव का स्वामी जो है लग्न में ही बैठा है और भद्र नाम का महापुरुष योग बना रहा है, तो जिनकी भी बुध की दशा महादशा है, बुध कुंडली में अच्छे हैं, तो क्या है, कल्याण ही कल्याण है। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन बढ़ने वाला है, इज्जत आपको मिलने वाली है और आपका ट्रांसफर आदि भी हो सकता है, पर उसके लिए लाभ, उससे आपको लाभ ही होगा। किसको होगा, जिनका बुध कुंडली में शुभ हो, जिनकी बुध की दशा महादशा अंतरदशा हो, तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी दशा तो चल रही है सूर्य की और बुध फिर रिजल्ट देंगे, वो खास रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। एकादश भाव का स्वामी चंद्रमा है और एकादश भाव पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि बन रही है, जो कि विपरीत राजयोग, माफ कीजिएगा, जो कि नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो फ्रेंड्स से आपको लाभ ही रहेगा, दोस्तों से लाभ रहेगा, नेटवर्किंग से आपको लाभ रहने वाला है, स्टॉक मार्केट्स आदि से भी आपको लाभ हो सकता है। देखना होगा कुंडली में पंचमेश शुक्र आदि की स्थिति कैसी है। बारे में भाव का स्वामी जो कि यात्राओं को दिखाता है, खर्चे को दिखाता है, लॉस को दिखाता है, इन्वेस्टमेंट को दिखाता है, जेल को दिखाता है, आश्रम को दिखाता है, अकेलेपन को दिखाता है, खो जाने को दिखाता है, दूसरी मोक्ष को तो दिखाता ही है, दूसरे प्लैनेट्स, दूसरी लोक हैं उनको दिखाता है, उसका स्वामी धन में आ रहा है। तो धन के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अच्छी चीज़ों पर भी खर्च कर सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई फॉरेन चीज़ आ सकती है, आपको फॉरेन चीज़ों से लाभ हो सकता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ हो सकता है, आश्रम आदि से लाभ हो सकता है, और आप कह सकते हो कुछ ना कुछ खर्चा तो जरूर रहेगा, और खर्चे से भी यहाँ पर लाभ हो सकता है, इस तरह की स्थिति बन रही है। तो ये था मेरी तरफ से कन्या के लिए अक्टूबर माह का राशिफल, मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। देखिए 2 तारीख को शनिवार को इंदिरा एकादशी है, 4 तारीख को सोमवार को प्रदोष व्रत है, शिवरात्रि है, 6 तारीख को बुधवार को अमावस्या है, अश्विन अमावस्या है। अमावस्या का जो त्यौहार है, जो व्रत है, वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, पितरों से जुड़ा हुआ है। इस दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना, पितरों के लिए कुछ पूजा करना, दान पुण्य करना बहुत शुभ माना गया है। 7 तारीख की गुरुवार को शरद नवरात्रों की शुरुआत है, तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 तारीख को सोमवार को कल्परंभ है, 12 तारीख को हमारी नवपत्रिका पूजा है, 13 तारीख को बुधवार को दुर्गा महाअष्टमी कहिए, दुर्गा अष्टमी कहिए, 14 तारीख को आपकी दुर्गा नवमी है और 15 तारीख को दशहरा है, दुर्गा विसर्जन है। इसके बाद देखिए 16 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख को रविवार को प्रदोष व्रत है, और इसी दिन सूर्य जो है तुला राशि में जाते हैं।
सूर्य हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, आत्मा सो परमात्मा। तो स्पिरिचुअलिटी के अध्यात्म के लिए जो है संक्रांति जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिनका जन्म संक्रांति के दिन हुआ उनको संक्रांति का व्रत सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। कुछ विशेष पूजाएं भी इस दिन से बताई जाती है, मंत्रों का उपचार, किसी कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसी भाव में है तो उस दिन से संक्रांति से लेकर कम से कम 40 दिन ज़्यादा भी कर सकते हैं, मंत्रों की दो माला किसी मंत्र का, इस तरह से डिपेंडिंग अपॉन चार्ट। इसके बाद देखिए मंत्र वगैरह जो है ना, आपका आग्रह है प्रभु से, और यही सबसे बेस्ट रेमेडी है, सात्विक रेमेडी है। इसके बाद 20 तारीख की बुधवार को अश्विन पूर्णिमा है, पूर्णिमा भी बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है मंत्र सिद्धि के लिए, अमावस्या, पूर्णिमा, दान के लिए आप कहेंगे, और पूर्णिमा का महत्व चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। चंद्र अगर मलेफिक हैं, उन पर पाप दृष्टि आती है, तो पूर्णिमा का व्रत अच्छा रहता है मन को शांति के लिए भी, धन के लिए भी पूर्णिमा का, क्योंकि धन लक्ष्मी से जुड़ा है और चंद्रमा समुद्र से निकले थे, माता लक्ष्मी के भाई हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। 24 तारीख को हमारी रविवार को संकष्टी है, करवा चौथ है, तो बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो ये था मेरी तरफ से अक्टूबर के माह का जो राशिफल है, इसके साथ साथ आपके लिए त्योहारों का वर्णन है। त्यौहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अध्यात्म से हम कुछ सीखते भी हैं, कुछ इस दुनिया के लिए करते हैं, संसार के लिए करते हैं, हमको उससे जोड़ते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक आदि का लिंक दिया है, तो प्लीज़ फॉलो, आप फॉलो कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें, नमस्कार।